अस्सलाम वालेकुम क्लास फाइव। यस्टरडे वी हैव स्टार्टेड रीडिंग ऑफ यूनिट नंबर सिक्स, ट्राइंग इज बेटर देन क्राइंग। डू यू नो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस टॉपिक? जी हाँ, कोशिश करना बेहतर है वावेला मचाने से या चीखने चिल्लाने से। ठीक है, इसमें हम किसके बारे में पढ़े थे? तलहा के बारे में, कि उसने लास्ट ईयर जो कंटेस्ट हुआ था राइटिंग का, उसको उसने क्या किया था, उसमें वो फेल हो गया था, समझो उसको कोई इनाम नहीं मिला, तो वो इस तरफ वो डिसहार्ट था। तो उसकी सिस्टर ने उसको क्या करने के लिए, हाँ जी, इस फ्रस्ट्रेशन से निकालने के लिए उसकी हेल्प की और साथ में उसको एक बुक दी ताकि वो पढ़े और समझे कि कैसे हम जो है किसी फंक्शन किसी भी कंपटीशन में पार्ट प्ले करने के लिए हमें कैसे काम करना है और डिसहार्ट नहीं होना, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हम देखते हैं वो दो या तीन दफ़ा पहले जो है वो उनको जो है सक्सेस नहीं मिलती, उसके बाद फिर वो सक्सेस हासिल कर लेते हैं और इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। उसके बाद जब उसने वो बुक खोली, उसके अंदर जो पढ़ा, उसके बाद उसको क्या नज़र आया? द लीडिंग स्कोरर, लीडिंग स्कोरर उस बुक का नाम था ना, जिसकी मैंने इसमें ये टॉपिक देखे एकदम तल्हा जो है वो उसको पढ़ने पर मजबूर हो गया। यहाँ पर देखिए क्या बना हुआ है, हॉकी का मैच हो रहा है, प्लेयर्स है उसमें बॉल के साथ मैं ग्राउंड में मूव करें। सोहेल अब्बास बॉर्न ऑन 9 जून 1975 इन कराची, हेल फ्रॉम अ स्पोर्टिंग फैमिली। सोहेल अब्बास जो हैं वो 9 जून 1975 को कराची में पैदा हुए, और वो कहाँ से आए थे, एक ऐसी फैमिली से जो कि खेल के मैदान में बहुत मानी जानी फैमिली की थी। सोहेल आ फील्ड हॉकी डिफेंडर, सोहेल जो थे वो हॉकी के फील्ड में एक डिफेंडर के तौर पे जो बचाते हैं गोल वगैरह उसका काम करते हैं, पेनल्टी कॉर्नर स्पेशलिस्ट एंड फॉर्मर कैप्टन ऑफ द पाकिस्तान हॉकी टीम। उनकी जो खसूसियात हैं, हॉकी डिफेंडर के तौर पर पेनल्टी कॉर्नर, जब कोई गलती हो जाती है तो वहाँ पर जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनको हम पेनल्टी कॉर्नर स्पेशलिस्ट कहते हैं, वो मतलब कि वो पेनल्टी कॉर्नर में जाके एक गोल जो है वो ऐसा करते हैं कि वो उनको अपनी टीम को पॉइंट्स दे दें, वो उसके स्पेशलिस्ट थे। और कैप्टन जो है पाकिस्तान के वो रह चुके हैं, इज़ अ फॉर्मर पुपिल ऑफ कराचीज, और वो कहाँ से पढ़े उन्होंने, कराची के पुराने जो हैं स्टूडेंट थे या पुपिल थे, पुपिल कहते हैं तालिबे इल्म को, और हबीब पब्लिक स्कूल जिसका नाम हबीब पब्लिक स्कूल, कराची के स्कूल से पढ़े, और द स्कूल ऑफ मैनी अदर हॉकी स्टार्स, इसके अलावा और से भी हॉकी स्टार जो हैं वो इसी स्कूल से उन्होंने अपनी तालीम हासिल की। ठीक है, एज अ यंग हॉकी प्लेयर हिज पोटेंशियल वॉज नॉट रियलाइज फॉर क्वाइट सम टाइम, नौजवान हॉकी के प्लेयर की के होते हुए जो उनके अंदर पोटेंशियल थी, जो उनके जो ताकत जो कुव्वत थी खेल के लिए, उसको पहले पहले रियलाइज़ नहीं किया जा सका। ठीक है, कुछ अर्से तक पता ही नहीं चला कि उतना अच्छा खेल सकते हैं। ही हैड डिफ़िकल्टी मेकिंग एन इम्पैक्ट ऑन द प्रोफेशनल हॉकी लीग्स फ्रॉम 1995 to 1998। ठीक है, हॉकी टीम के अंदर जब यंग हॉकी प्लेयर्स के तौर पर आए, तो अब काफ़ी अर्से तक वो अपनी जो है वो इमेज जो है वो हॉकी प्रोफेशनल के सामने या जो लोग प्रोफेशनली हॉकी खेलते थे उनके लिए अपना वो इमेज नहीं बना सके। 95 से लेकर 98 तक, समझो कि 95 में उन्होंने ज्वाइन किया हॉकी को, और 98 तक उनका कोई इमेज बरकरार नहीं हो सका कि ये अच्छे हॉकी प्लेयर बन सकते हैं या ये कैप्टन तक जा सकते हैं। बट ही वर्कड हार्ड टू प्रूव हिमसेल्फ, लेकिन उन्होंने क्या किया, खूब मेहनत की अपने आप को प्रूव करने के लिए या अपने आप को साबित करने के लिए। आपने यहाँ पर देखा कि एक प्लेयर ने अपने आप को कितने साल तक काम किया, लेकिन वो क्या नहीं कर सका, इमेज नहीं बना सका, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया, अपने काम के अंदर मेहनत जारी रखी ताकि लोगों को इम्प्रेस कर सकें, किन लोगों को, जो प्रोफेशनल थे हॉकी के। ठीक है, एन इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस इन द 18th जूनियर नेशनल हॉकी चैंपियनशिप इन 1995 अर्नड हिम अ प्लेस इन द पाकिस्तान जूनियर स्क्वाड विच ड्रू द होम सीरीज अगेंस्ट जर्मनी 2-2। अच्छा जी, इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस उन्होंने 18th जूनियर नेशनल हॉकी चैंपियनशिप के दौरान दी, मतलब जो मुकाबला जूनियर हॉकी का हुआ, चैंपियनशिप हुई जो 1995 में थी, उसमें क्या उन्होंने किया था, एक अपना मुकाम बना लिया था पाकिस्तान जूनियर स्क्वाड ने। ठीक है, विच ड्रू द होम सीरीज़ अगेंस्ट जर्मनी 2-2, जो कि उनको होम सीरीज़ के अंदर दोबारा से उनको दाखिल होने की इजाज़त मिल गई।
ही वॉज नॉट सिलेक्टेड फॉर बैक टू बैक टूर्स ऑफ द नीदरलैंड जर्मनी एंड पोलैंड। अच्छा, इमेज बनाने के बावजूद जो है वो अपने सिलेक्शन कमेटी ने उनको क्या किया, जो बैक टू बैक फोर टूर्स होते हैं जिसमें कि पहले नीदरलैंड जाना था, फिर जर्मनी, फिर पोलैंड, मतलब एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, उसके अंदर उनको सिलेक्ट नहीं किया गया। इट वॉज अ मोमेंट ऑफ ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट फॉर हिम। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक जगह मुकाम बनाया लेकिन फिर बाद में उनको दोबारा सेलेक्ट नहीं किया, तो उनके लिए क्या हुआ, बहुत ज़्यादा डिस्करेजमेंट थी, बहुत ज़्यादा वो मायूस हो गए कि मुझे सेलेक्ट नहीं किया गया बैक टू बैक सीरीज़ के अंदर। ठीक है, बट ही नेवर गेव अप, लेकिन उसने क्या किया, अपना दिल नहीं हारा, वो मेहनत करते रहे। ही स्टेज्ड अ कमबैक इन द पाकिस्तान जूनियर स्क्वाड इन 1997 में दोबारा अपने लिए रास्ता हमवार किया और वो दोबारा पाकिस्तान के जूनियर स्क्वाड में शामिल हुए हॉकी की टीम के अंदर। ए साइड विच बीट जर्मनी जूनियर्स इन फोर कंजक्टिव टेस्ट मैचेस। अब ये वो जगह थी, वो खेलता जिसमें जर्मनी बीट जर्मनी जूनियर्स, जर्मनी के जूनियर्स को चार कंजक्टिव मतलब लगातार मैचेस में हराया गया। His managers were still not convinced to include him for the 1997 World Cup. अब इतनी मेहनत के बावजूद, मतलब उस मैच के दौरान काफ़ी उन्होंने उस टीम को हराया और काफ़ी कामयाबी हासिल की, लेकिन फिर भी जो उसके मैनेजर्स थे, मतलब हॉकी टीम के मैनेजर जो थे, वो नहीं चाहते थे कि अब्बास को, सुहेल अब्बास को जो है वो वर्ल्ड कप के लिए सिलेक्ट किया जाए। फोर मंथ्स लेटर, चार महीनों के बाद ही वॉज ड्रॉप फ्राम द पाकिस्तान जूनियर स्क्वाड, उसको पाकिस्तान जूनियर स्क्वाड से बाहर निकाल दिया गया। सुहेल हु स्ट्रक 20 गोल्स इन 1998 वाज इन टेरिफिक फॉर्म इन 1999। सुहेल ने एक मैच के दौरान 20 गोल किए जो 1998 में हुआ, और 1999 में वो बहुत ही, जैसे कहते हैं ना, फाइट करने के अंदाज में थे और ना कि उसे देख के सब डर रहे थे कि कितना ज़्यादा तेज़ प्लेयर आ गया। एंड पाकिस्तान वॉन द अजलान शाह कप फॉर द फर्स्ट टाइम एंड गॉट सिल्वर इन द एशिया कप। 99 में क्या हुआ था, पाकिस्तान ने अजलान शाह कप जीता था जो कि पहली दफ़ा पाकिस्तान के साथ हुआ, इस कप को जीता और एशिया कप भी उन्होंने सिल्वर इन एशिया कप में सिल्वर जो है वो कप हासिल किया। ही वॉज द लीडिंग स्कोरर इन द पाकिस्तान इंडिया सीरीज़ 10 गोल्स एंड 9th अजलान शाह कप 12 गोल्स। अब इसकी आखिर से डिटेल आती चली जा रही है, हम देखते हैं कि उनकी कामयाबियाँ स्टार्ट हो गई हैं। पहले उनको डिस्करेज किया जा रहा था या उनको सेलेक्ट नहीं किया जा रहा था, जब उन्होंने टेरिफिक मोड में आके इतने ज़्यादा गोल्स बनाए तो फिर अजलान शाह जब कप हुआ तो फिर क्या हुआ, फर्स्ट टाइम पाकिस्तान ने एशिया कप में सिल्वर का कप जीता, फिर इसके बाद उनको लीडिंग स्कोर जो है वो पाकिस्तान के साथ बनाने के लिए उनको थोड़ा सा रिगार्ड मिल गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जो है इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे, आज इतना ही काफ़ी। आप तमाम स्पेलिंग्स वगैरह और वर्ड्स याद कीजिए और अब्बास शाह के बारे में जो जो इन्फॉर्मेशन आपको मिली है उसको गैदर करेंगे और क्वेश्चन आंसर क्रिएट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए इतना काफ़ी है। आप लोगों ने अब्बास शाह के बारे में और भी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी है वो आप नेट के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, आप लिखिए द लीडिंग स्कोरर सुहेल अब्बास इन्फॉर्मेशन अबाउट हिम। ठीक है, आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, फिर आपको ये समझने में और भी आसानी हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।